आज हम लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का। ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर। देखिए बच्चों, रैशनल नंबर क्या होता है, ये इसे हम p अपॉन q से डिफाइन करते हैं, जहाँ क्या होता है q इक्वल के जीरो, है ना, मतलब q जीरो नहीं होता। बाकी यहाँ p की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, q की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बस यहाँ पे q जीरो नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में यदि जीरो आता है तो उसका आंसर नॉट डिफाइन, मतलब डिफाइन नहीं है उसका आंसर, ओके, मतलब अनंत तक के नंबर जाता है। ये 3/0 जो है ना इन्फिनिटिव है ना, तो ये जो अपॉन में जीरो हम कभी नहीं ले सकते। बाकी हम रैशनल नंबर डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, जो क्या हो, रैशनल नंबर आर डिफाइन टू बी नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के रूप में वो डिफाइन होता है, ओके, जहाँ क्यू नॉट इक्वल जीरो होता है, मतलब अपॉन में जीरो नहीं होता, बाकी उसके अलावा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं हम, चलिए हम ये कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर, मतलब एवरी फ्रैक्शन जो हर एक फ्रैक्शन है वो क्या है, रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर को जब आप अपॉन में लिखते हो, है ना, 3/2, 4/2, 5/1, ये सब क्या है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रैशनल नंबर बोल रहे हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे एज एनी इंटीजर, है ना, जैसे कोई भी इंटीजर मान लो, जैसे इंटीजर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वाले नंबर, है ना, कोई भी इंटीजर ले लो, यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, -3 और 4, है ना, यहाँ पे अपन ने कोई भी इंटीजर ले लिए, रिटर्न इन द फॉर्म, मतलब फॉर्म मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे, मतलब पी की जगह आप मान लीजिए -3 लिखे और क्यू की जगह आपने 1 लिखे, जीरो नहीं लिखना है, मतलब मगर है ना, क्यू की जगह उसको छोड़कर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे पी की जगह आपने -3 लिखे, क्यू की जगह आपने 1 लिखे, या फिर बोल सकते हो पी की जगह आपने 4 लिखे, क्यू की जगह आपने 1 लिखे, ठीक है, तब क्या होगा, सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो हर एक इंटीजर क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि आप -3 और 4, है ना, यदि आप इतना भी लिखते हो तो अपॉन में तो 1 लगाना ही पड़ेगा, है ना, तब आप बोल सकते हो कि हाँ वो एक रैशनल नंबर है। देखिए यहाँ पे जीरो कैन बी रिटर्न, जीरो जब जीरो हो ऊपर तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में 1 या तो अपॉन में -1, तब क्या होगा, जीरो भी एक क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ओके। रैशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू, मतलब अपॉन में ही शो करते हैं ना, तो 0/1, 0/-1, ओके। यहाँ नेक्स्ट देखिए, एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटिव, होल नंबर में जीरो शामिल होता है पर नेचुरल नंबर में नहीं होता। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, है ना, जो नेचुरल नंबर होता है वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ओके, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके अपॉन में हम 1 मानते ही हैं, है ना। देखिए यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव ही हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए -4, -9 अपॉन में माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। नेगेटिव रैशनल नंबर में याद रखना, नंबर अपॉन में तो होंगे पर किसी एक में माइनस होगा, या तो ऊपर वाले नंबर में होगा माइनस या तो नीचे वाले नंबर में माइनस होगा। पॉजिटिव रैशनल नंबर में याद रखना, या तो दोनों में माइनस होगा या तो दोनों में प्लस होगा, या तो होगा ही नहीं, ओके। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर एंड एम बी एनी नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब जीरो को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए जब आप क्या करते हो, दिस है ना, दिस टाइप ऑफ रैशनल नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं, आपके पास यदि कोई दिया हुआ है 1/2, तो इससे सबसे पहले आप 2 का इंटू करेंगे ऊपर नीचे, फिर 3 का इंटू ऊपर नीचे करेंगे, फिर 4 का इंटू ऊपर नीचे करेंगे, तो आंसर लास्ट में सेम ही आता है, वो हम बताएंगे आपको, फिलहाल अभी समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी टू में क्या बोला है, यहाँ पे पी अपॉन क्यू क्या है, यहाँ पे रैशनल नंबर है और कॉमन डिवाइजर ऑफ पी एंड क्यू, यहाँ पे कॉमन डिवाइजर मतलब पी अपॉन क्यू कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2/18 हो गया, 20/28 हो गया, कॉमन डिवाइजर मतलब एक ऐसा नंबर लेना है जो 2 से भी डिवाइड हो, 18 से भी डिवाइड हो, मतलब वो 2 की टेबल में भी आए, 18 की टेबल में भी आए। तो देखिए 2 ऊपर भी डिवाइड कर दिए, नीचे भी डिवाइड कर दिए, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है, 18 भी आता है ना। अब यहाँ पर देखिए 20/28, यहाँ से अपन ने 4 से डिवाइड कर दी, क्योंकि 4 की टेबल में 20 भी आता है, 28 भी आता है, ओके। प्रॉपर्टी थर्ड अभी रहने दीजिए, है ना, एक्सरसाइज होगी यदि उसमें यूज होता है तो उसे समझा देंगे, है ना।
देखिए बच्चों चलो ये देखते हैं, ओके एक्सरसाइज 3A है ना। यहाँ पे लेक्चर तो अपना क्या है, लेक्चर 19 है ना। देखिए बच्चों यहाँ पे रैशनल नंबर मतलब अपन को कुछ नहीं है, मतलब अपॉन में वो नंबर होना चाहिए है ना। जैसे पी की जगह आप 2 ले सकते हैं, अपॉन में 3 ले सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि अपॉन में, जैसे आप नॉर्मली एक नंबर लेते हो 3-2 और ये 4, ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर होता है। अब बोलोगे कि ये अपॉन में, ये तो अपॉन में नहीं है तो कैसे रैशनल नंबर हो गया, होगा क्योंकि कोई भी नंबर हो वो अपॉन में हम 1 उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 का आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 1 का आप 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, 1 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। हर नंबर के अपॉन में हम 1 ले सकते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। बट रैशनल नंबर कौन नहीं होगा, जिसके अपॉन में 0 है, जैसे ये अपॉन में 0 ले लिए तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ओके जैसे -2 है अपॉन में 0 मतलब वो रैशनल नंबर नहीं होगा है ना। जैसे ये 4 है अपॉन में 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ओके बच्चों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में याद रखना एक बात, याद रखना ये ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर, ओके तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पिक आउट द 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर लो जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर किसमें सेम है, देखिए इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, तो ये 3 रैशनल नंबर होंगे जिसके डिनोमिनेटर क्या है सेम है ना। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखना पॉजिटिव रैशनल नंबर मीन्स है ना, जैसे ये 3/7 इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है, या फिर बोल सकते हो -6/-7, अब बोल रहे हो इसमें माइनस का साइन है, ये कट जाते हैं माइनस से माइनस, तो ये क्या बन जाता है 6/7, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव मीन्स या कोई नंबर हो उसके या तो ऊपर माइनस होगा या तो जो नंबर है उसके नीचे माइनस होगा, ओके ये नेगेटिव इंटीजर है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप कर लेंगे, ओके बच्चों पॉजिटिव या नेगेटिव रैशनल नंबर।